नमस्कार मैं अंजलि मिश्रा स्वागत है आप सभी का न्यूज में हल्द्वानी दंगे में मरने वालों को शहीद बताते हुए पैसे बांट रहा था उसका नाम है सलमान खान और उस व्यक्ति के इंस्टाग्राम पे वन मिलियन फॉलोअर्स है और वो इसी तरीके से कई सारे भड़काऊ बयान कई सारे भड़काऊ भाषण कई सारी चीजें जो है उसके यूट्यूब जो आप कह सकते हैं ग्राम पर देखने के लिए मिलती है और अब इसे लेकर उसे गिरफ्तार भी किया गया था गिरफ्तारी के बाद उसे जो है जो है डिटेन किया गया था पूछताछ हुई काफी समय तक पूछताछ चली और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया लेकिन एक चीज जब उसे लेकर सामने आ रही है वो ये है वो कि NGO को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से विदेशी फंडिंग का पूरा मामला है पेपर्स मांगे गए हैं और जिस तरीके से ट्रांजेक्शन हुए हैं एनजीओ में जो पैसे इन्होंने खुलेआम बांटे हुए हैं कितने पैसे बांटे हैं कहां से ट्रांजेक्शन जो है

किस किस ने इस एनजीओ को पैसे दिए हैं इसकी अपडेट मांगी गई और साथ ही साथ अब उत्तराखंड पुलिस ने एक ऑफिशियल जो है आप कहेंगे पोस्ट डालकर बताया है कि किस तरीके से एनजीओ को डोनेट करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है और एनजीओ के जो है, इसके एनजीओ है इसके अकाउंट को सीज किया जा रहा है और इसके बाद ही सीज करवाने और अन्य कार्रवाई जो है की जा रही है साथ ही साथ उन्होंने एक नोट और लिखा है कि ऐसे एनजीओ को कोई को भी डोनेशन जो है ना दे जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने क्या है पूरा माजरा विस्तार से समझिए तो हर के वनफूलपुरा से बीते 8 फरवरी को नजूल भूमि पर बनी अवैध मजार और मदरसे पर प्रशासन की कार्रवाई के दौरान दंगाइयों ने नियोजित तरीके से हिंसा भड़का दी हिंसा में 250 से अधिक पुलिसकर्मी और अन्य लोग घायल हो गए दंगाइयों ने पुलिस थाना और सौ से अधिक गाड़ियों भी फूक डाली हालात सामान्य होने पर पूरे इलाके में कर्फ्यू हटा दिया गया इसी बीच देश भर के तमाम संगठनों के लोग वनफूलपुरा पहुंच रहे थे ऐसे में बुधवार को हैदराबाद से सलमान खान नाम का यूट्यूबर भी बनफूलपुरा पहुंचा उसने हिंसाग्रस्त इलाके में रुपए बांटने के साथ ही इंस्टाग्राम पर भड़काऊ पोस्ट डाली इसी को लेकर पुलिस ने सलमान खान को हिरासत में ले लिया हिंसा के बाद उनका वीडियो जो है सामने आया था हल्द्वानी में 8 फरवरी को हिंसा के बाद पूरे देश में सुरखिया इसे लेकर बनी रही उसी द, दौरान जो हैदराबाद है है का सलमान खान भी जो यूट्यूबर भी है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा सलमान खान हल्द्वानी हिंसा को लेकर यूट्यूब पर लगातार वीडियो अपलोड कर रहा था इंस्टाग्राम पर भी इसकी क्लिप्स डाल रहा था उसके बाद उसे सीधे हल्द्वानी पहुंचकर हिंसा प्रभावित इलाके में धन बांटने का काम किया सौ सौ की गड्डी उसने बनाई और गड्डिया ये बांटते हुआ नजर आया अब कैसे पहुंची इतनी बड़ी रकम यूट्यूबर सलमान खान सैकड़ों मिल दूर हैदराबाद से बड़ी रकम लेकर हल्द्वानी कैसे पहुंच गया यह बड़ा सवाल लोगों के मन में जो है कौन कर रहा था सलमान खान हैदराबाद से फ्लाइट से दिल्ली और इसके बाद कार से हल्द्वानी पहुंचा वो अपने साथ बैग भरकर रुपए लेकर पहुंचा था बावजूद इसके किसी को उसकी रकम की भनक तक नहीं लग पाई लोग इसे लेकर तमाम सवाल भी उठा रहे हैदराबाद से एकत्र किया था चंदा बताया जा रहा है की पुलिस की जांच में पता चला की सलमान खान हल्द्वानी हिंसा के वीडियो वायरल कर हैदराबाद आदि शहरों से चंदा एकत्र करने में जुटा

में पुलिस जांच कर रही है एनजीओ के अकाउंट नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर, पैन नंबर से संबंधित सूचना आयकर विभाग और अन्य द्वारा आवश्यक कार्रवाई जो है की जा रही है हैदराबाद यूथ जो है को डोनेट करने वालों को भी चिन्हित जो है किया जा रहा है इसमें आगे लिखा गया कि उक्त एनजीओ के अकाउंट रजिस्ट्रेशन नंबर सीज करवाने की कार्रवाई की जा रही है नीचे लिखा गया गलत तरीके से पैसा लेने और दंगाइयों को सपोर्ट करने ऐसे सोशल मीडिया के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पोस्ट कर कर भ्रमक तथा अगर आप कहेंगे पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अंत में लिखा है सभी से अनुरोध है कि इस तरह के एनजीओ को किसी भी तरीके का डोनेशन ना दे बता दें आपको कि अगर आप इनका इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आप जाके चेक करोगे सलमान खान नाम से इंस्टाग्राम है लास्ट में उन्होंने स्लैश देकर एच लिखा यानी हैदराबाद लिखा कई सारे जो है हल्द्वानी हिंसा से जुड़े कई सारे वीडियो उसने इंस्टाग्राम

इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो है वीडियो बना रहा था चीजें दिखाने का प्रयास कर रहा था एक अलग ही कहानी एक अलग ही अगर आप कहेंगे तस्वीर उसको उभार कर ये लेकर आया जिसमें लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे साफ तौर पर भड़काऊ इसका बयान था कि मीडिया ये नहीं दिखा रही हल्द्वानी में क्या हो रहा है हिंदू ये कर रही है ऐसे करके उन्होंने इसने कई सारे इंस्टाग्राम पर वीडियो जो है अपलोड कर रखे है जो साफ तौर पर दंगा को और भड़काना लोगों के खिलाफ जो है नफरत जो है फैलाना इस तरीके से इसके अकाउंट से देखने के लिए मिल रहा है और यही सबसे बड़ी बात है कि ये जो नोटों की गड्डी लेकर वहां पर लोगों को जो अवैध कब्जा कर रखा हल्द्वानी में और लोगों को ये है पैसे जो है यहाँ पर भर भर के जो है वो बांटता हुआ नजर आया तो सवाल यही था कि इतने पैसे कहां से है एक हैदराबाद का व्यक्ति दिल्ली के हल्द्वानी जो है दिल्ली आता है फ्लाइट से उसके बाद का कार हल्द्वानी पहुंचता है वहां पर बैग भर के पैसे वो लोगों को बांट रहा है जैसे वो पैसे लाइक कुछ है ही नहीं और एक दो चार चार गड्डिया पांच पांच जो है पैसे की वो बांटी जा रही है कैसे तो मैं आपको बता हैदराबाद से पहुंचे सलमान खान नाम के युवक ने बनफूलपुरा में मुस्लिम समुदाय के लोगों को रुपए बांटे थे रुपए बांटने का वीडियो सलमान ने खुद ही अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड किया था जिसमें काफी व्यूज भी थे वीडियो प्रसारित होने पर पुलिस ने ही उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया और बाद में छोड़ दिया

फिर एक इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा किया जहां वो ये कहता नजर आया आ, कि सलमान पु, पुलिस की पूछताछ के बाद सलमान ने इंस्टाग्राम पर वीडियो प्रसारित किया इस वीडियो में कार में बैठकर बनाया जिसमें वो कह रहा है कि पुलिस ने उससे कुछ देर के लिए पूछताछ की

जली से इत्यादल मुस्लिम यानी ए आई एम आई एम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समेत ग्यारह लोगों को फॉलो किया है अब तक इंस्टाग्राम पर 823 पोस्ट अपलोड कर चुका है विदेश से फंडिंग की बात सामने आ रही है उपद्रव में मारे गए मुस्लिम समुदाय के लोगों के स्वर्जन के लिए विदेशी फंडिंग से होने की बात सामने आ रही है पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है पता लगाया जा रहा है कि अगर फंडिंग हो रही है तो रुपए कहां से आ रहे हैं और इस रुपए आने का स्रोत क्या है तो ऐसे में अब एनजीओ के पर कार्रवाई हो रही है पुलिस जो है अकाउंटेंट का सीज कर रही है साथ ही साथ जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भी सीज करने की कार्रवाई लगातार जो है जारी है और इसे लेकर वो अपडेट्स भी अपने जो है एक्स हैंडल पर देते हुए नजर आ रहे हैं तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है इस मामले पर अब आप की भी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा धन्यवाद